तो खेल की शुरुआत हो चुकी है। आज ये बड़ा दिन, दूसरा दिन है इस शानदार मेजबानी का, उत्तराखंड देवभूमि का ये खूबसूरत मेजबानी है। एक बार फिर से मैं विकास की आवाज आप रेडियो टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। हमारी पूरी टीम के साथ हार्दिक अभिवादन। बढ़िया शॉट फ्लिक किया स्क्वायर लेग की तरफ, बहुत ही शानदार खेल देखने को मिलता हुआ। स्कोरबोर्ड पे 3 रन, शुरुआती 3 गेंदे हुई है और तीनों हुई गेंद पे सिंगल आया है। बल्लेबाजी कर रहे आशीष और साथ में उनके गंभीर आए हैं पारी की शुरुआत करने। रुपाऊ के लिए हल्की से शॉर्ट ऑफ द लेन गेंद, गेंद को खेला पॉइंट की तरफ हल्के हाथों से, जब तक गेंद फील्ड की जाए 1 रन आसानी से चुरा लिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और आसपास वृक्षों से आच्छादित तप्पड़ मैदान इस समय मेजबानी करता हुआ और गेंदबाजी की कमान पहले ओवर में शुभम। बहुत बढ़िया मेजबानी टेनिस क्रिकेट डॉट इन और हमारे साउंड वाले भैया का भी बहुत आभार। और देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे ग्राम प्रधान बदामा वाला खेलों के लिए कितना समर्पित, अभिराज सिंह चौहान जी, श्री रोहित चौहान जी। हवा में गेंद, देखना होगा ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर सके, शानदार कैच विकेट के पीछे, पहला विकेट मिला है इस समय देव को, कामयाबी अर्जित की है। तो स्कोरबोर्ड पे नजर डाले, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 5-5 ओवर के जबरदस्त फॉर्मेट में हमारे कोषाध्यक्ष जयवीर भाई बहुत ही एक एक चीजों को मैनेज करते हुए, ये भी बधाई के पात्र है श्री विपिन तोमर जी और पूरी टीम। फिलहाल 4 रन स्कोरबोर्ड पे इस समय, देखना होगा अगले बल्लेबाज निकेश आ रहे खेलने के लिए। इस वक्त निकेश की क्या रणनीति होगी, देखना अहम रहेगा। यहां से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बड़ी मेहनत से उत्तराखंड के सबसे बड़े आयोजन, वाकई में इतनी बड़ी इनामी राशि, देखना होगा किस तरीके से आने वाले बल्लेबाज अपने। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में हमारे व्यूवर्स टेनिस क्रिकेट डॉट इन पे जुड़ चुके हैं, लाइव एक्शन हम आपके लिए लेकर के। और गंभीर सिंह नेगी जी की प्रतिक्रिया भी आ रही है, धन्यवाद गंभीर जी, आपने कमेंट्री को प्रोत्साहित किया, आप सभी का प्यार है। ऐसे हमारे तमाम खेल प्रेमियों का मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं, जिनकी मेहनत के बदौलत ही आयोजन, आप लोग के प्यार से आयोजन इतने बड़े आयाम पे है। पहले ओवर में 4 रन बने थे और इस ओवर की शुरुआत हो गई है दूसरे ओवर की। बॉलिंग लेकर बिक्की आए हैं रुपाऊ और देव आमने सामने, देखना होगा देव कितने रन की यहां से चुनौती मिलती है उन्हें। फिलहाल हवा में गेंद स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मुसोर शानदार कैच लिए, पहली कामयाबी मिल गई है इस समय देव को। बहुत शानदार खेल देखने को मिल रहा है, पहला विकेट मिलता हुआ इस वक्त इस समय। और हमारे साथ 42 लोग लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी व्यूअर्स का, दर्शकों का सबसे ज्यादा आभारी। यहां से 2 विकेट के नुकसान पे यह है सूरत हाल आज के पहले मुकाबले की। निट्टू रावत आए हैं अपने बल्लेबाज खेलने के लिए, युवा खिलाड़ी निट्टू रावत गेंदबाजी कर रहे हैं विक्की इस वक्त, देखना होगा विक्की एक बार फिर से। हवा में गेंद स्ट्रेट बल्ले से खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर पे, लाजवाब गेंद, क्या कहने।
फिलहाल एक बार फिर से इस उम्र में अगली बार भगवान आदित्य की रोशनी से मैदान चमकता हुआ खूबसूरत ये क्षण। रात को थोड़ी ओस पड़ी थी, शुरू में जरूर गेंदबाजों के लिए हल्की सी मदद हो सकती है क्योंकि बॉल जैसे जाती है आउटफील्ड में थोड़ी गीली हो जाती है और वहां पे थोड़ा सा आसान नहीं होगा। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश। ओवर की समाप्ति हुई है, दो ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और तमाम चीजें व्यवस्थित, एक शानदार आयोजन की संकल्प देखने को मिलता हुआ। बढ़िया शुरुआत की है इस ओवर की। बॉलिंग की कमान पे आए हैं शुभम, बहुत ही शानदार गेंदबाजी पहले ओवर में भी की थी शुभम ने, सिर्फ 4 रन दिए थे और 1 कामयाबी अर्जित की थी अपने स्पेल का। दूसरा ओवर लेकर के जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा। आज का पहला मुकाबला रुपऊ वर्सेस देव। देव टॉस जीतकर बॉलिंग का डिसीजन और अभी तक इनका निर्णय सही साबित हुआ है, अपने गेंदबाजों ने उसे साकार किए। देवभूमि क्रिकेट एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में ये शानदार मेजबानी। फिलहाल इनिंग का इस समय 3रे ओवर का खेल जारी। 5वां ओवर के लीग चरण के मुकाबले अत्यंत रोमांचित करने वाले। बढ़िया गेंदबाजी की झलक शुभम ने पेश की है अभी तक। सही लाइन और लेंथ, गुड लेंथ शॉट पे टपक आती इनकी गेंदे एक सही निर्धारित दिशा में शुभम बॉलिंग पे। स्कोरबोर्ड पे सिर्फ 6 रन। रुपऊ का बल्ला चला रहे जरूर बल्लेबाज, लेकिन बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं होती हुई। बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। स्कोरबोर्ड पे अभी भी रुका हुआ रन 6 पे। 3रे ओवर का खेल जारी। 5 ओवर के मुकाबले हम थैंकफुल है हमारे स्पॉन्सर्स का भी, सोनालिका ट्रैक्टर, साथ ही साथ चौहान टाइल्स गंगरौ वाले और कैड स्टूडियो, गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स विकास नगर, आरआर ट्रेडर्स लखर सियार वाले, सभी सहयोगियों का, कंसल ट्रेडर्स, कुमार ट्रेडर्स, अक्षय टेलीकॉम, बंसल टेलीकॉम, होटल कल्याण, गोयल सेल्स, राजकुमार स्वीट शॉप एंड फास्ट फूड, प्रदीप ट्रेडर्स, सभी का हम बहुत आभारी। और फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डाले, सिर्फ 7 रन 3 ओवर में। हार्दिक अभिवादन आप सभी का, हमारे डीजे वाले भैया का भी बहुत आभार, रोहित भाई के मार्गदर्शन में जो शुरुआत हुई है आज। नरेंद्र सिंह तोमर जी विराजमान है, देखना होगा इस समय हवा में गेंद, खिलाड़ी उस ओर, क्या शानदार कैच लॉन्ग ऑफ पे। सात रन पे 4 विकेट इस समय रुपऊ के, बहुत मुश्किल में टीम नजर आती हुई।
फिलहाल इस बार खिलाड़ियों के सारे टर्न करना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन आता हुआ इस एक रन के सहारे स्कोरबोर्ड पे इस वक्त 8 रन। इनिंग के चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 5-5 ओवर के लीग चरण के बहुत ही रोमांचकारी मुकाबले शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। इससे एक अतिरिक्त रन के सहारे 9 रन स्कोरबोर्ड पे। शुरू से ही बहुत अच्छी गेंदबाजी की है आज शुभम विक्की और दोनों गेंदबाजों ने। दोनों गेंदबाज अपने दो दो ओवर के स्पेल और बहुत ही अनुशासित डिसिप्लिन एक्यूरेट लाइन और लेंथ पे लगातार आजादी नहीं दिए हैं बड़े हिट के लिए, परेशान किया है बल्लेबाजों को। स्कोरबोर्ड पे अभी भी 9 रन सिर्फ पारी के इस वक्त चौथे ओवर में। शॉट ऑफ द लेन गेंद हवा में गेंद लहराई इस समय बैकफुट पे ठीक तरीके से पोजिशन नहीं कर सके मिड ऑफ के खिलाड़ी आए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ से। मिड ऑफ और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी को लेकर रखा है तब तक एक रन बनाने का अवसर। इस एक रन के सहारे 10 रन स्कोरबोर्ड पे। एक और शॉट ऑफ द लेंथ गेंद इस समय परेशान करते हुए लगातार स्कोरबोर्ड पे सिर्फ 10 रन पारी के चौथे ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। मुकाबला रुपाऊ वर्सेस देव। देव ने टॉस जीता बॉलिंग का डिसीजन। रुपाऊ के बल्लेबाजों के लिए शुरुआत से ही मुश्किल भरी स्थिति। इनिंग के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुपाऊ का स्कोर इस समय बढ़िया खेल देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। दोनों ही टीमें खास करके गेंदबाजी टीम जो कार्य कर रही देव वो शान में वो पहनापन वो धार नजर आती है और मुश्किलें बढ़ाती हुई टीम इस समय रुपाऊ। स्कोरबोर्ड पे सिर्फ 10 रन। अब नए बल्लेबाज प्रवीण रावत आ रहे खेलने के लिए। देखना होगा प्रवीण रावत की क्या रणनीति रहती है आखिरी ओवर में कुछ बड़े हिट लगा करके एक फाइटिंग टोटल की तरह पहुंचने की। क्या इसी कार्य में अंपायर का बढ़िया अंपायरिंग लगातार दोनों ही अंपायर के द्वारा अमन राणा और साथ में राजेश तोमर। हेलो, इसके तुरंत बाद थेना और बागी दोनों ही टीमों के कप्तान क्रीड़ा मंच पर आ जाए। थेना और बागी फिलहाल अगले दोनों कप्तान फेना और बागी के जल्द से जल्द पहुंचेंगे। फिलहाल इस समय लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से खेला हुआ शॉट ये गेंद जब तक फील्ड की जाए 1 रन 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ 14 पे। बढ़िया खेल देखने को मिलता हुआ इस समय दोनों टीमों के दरमियान। 14 रन स्कोरबोर्ड पे इनिंग के इस वक्त बात करें आखिरी ओवर 5वें ओवर का खेल जारी। इस बार ऑफ साइड में खेला स्विफ कवर की तरफ गेंद जब तक फील्ड की जाए वहां डीप से 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के सहारे 15 रन स्कोरबोर्ड पे। पारी के 5वें ओवर में रुपाऊ का स्कोर। देव की गेंदबाजी आज आला दर्जे की क्लास बॉलिंग की है। चाहे जसपाल की बात करें चाहे बात करें दोनों ही फ्रंटलाइन गेंदबाज शुभम और विक्की अच्छे लाइन और लेंथ अनुशासन का परिचय दिया है।
और YouTube पे लगातार इस मुकाबले का सीधा प्रसारण tenniscricket.in पे देख सकते हैं। इनिंग की समाप्ति हुई है, 16 रन का मात्र टारगेट मिला है। 16 रन ने रुपाऊ के लिए एक बहुत आसान टोटल है, 5 ओवर में 16 रन बनाना। मिलते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लाइव एक्शन लेकर के इस मुकाबले का। स्वागत आप सभी का। मात्र 16 रन की चुनौती है मैच को जीतने के लिए रुपाऊ के लिए। आसान सा कार्य इस समय, देखना होगा किस तरीके से बैटिंग करती है टीम। इससे 16 रन के लक्ष्य के जवाब में क्या तैयारी रखेगी यह देखना अहम रहेगा। यहां से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा आप सभी को। आने वाले कई मुकाबले रोमांचित करेंगे, tenniscricket.in आपके लिए लेकर आए हैं। सीधा प्रसारण श्रेय जाता है नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूरी टीम बात करें अभिराज तो चौहान जी, रोहित चौहान, विपिन तोमर, जयवीर तोमर और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। फिलहाल 16 रन की दरकार। कमेंट्री बॉक्स में विकास की आवाज आप इंटरनेशनल बात करें सुन चुके हैं, खास करके टोक्यो ओलंपिक में और इस बार की नेशनल गेम्स में भी। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुपाऊ के लिए महज 16 रन की चुनौती है मैच जीतने के लिए। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बीच विकेट पे इस समय। अविराज सिंह चौहान जी पहुंच चुके हैं हार्दिक अभिवादन। आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष और युवा दिलों की धड़कन, बहुत हार्दिक अभिवादन। हमेशा से युवाओं को प्रमोट करने वाले साथ में नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं बहुत आभारी हूं, संयोजक और हमारे ग्राम प्रधान, समाज सेवा और खेलों के लिए बहुत लगाव रखने वाले युवाओं के से कदम मिलाकर के इस बादाम वाला क्षेत्र और विकास नगर में एक विकास की गति देने वाले नरेंद्र सिंह तोमर जी और उनकी पूरी टीम इस बार फ्रंट फुट पे आ गया है। हाई बैकलिफ्ट था, गेंद को खेला इस समय पॉइंट की तरफ बगैर किसी रन के। एक रन पूरा किया, माफी चाहूंगा, एक रन। बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए। शमशेर नेगी का हार्दिक अभिवादन।
फिलहाल 16 रन बनाने हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अजय और रितेश। पारी की शुरुआत करने आए हैं, 16 रन की सिर्फ चुनौती है रुपाऊ को। अजय और रितेश किस तरीके से शुरुआत करेंगे ये देखना अहम रहेगा। युवा टीम इस बार थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप की तरफ थी, पहले ऑफ स्टंप की तरफ सफल हो रहे थे, आखिरी लम्हा बल्ले को थोड़ा सा तिरछा करते हुए सिर्फ हल्के हाथों से टर्न किया स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए। दो रन स्कोर बोर्ड पे। आज ये दूसरा दिन देवभूमि क्रिकेट एकेडमी के संयुक्त मेजबानी में तप्पड़ ग्राउंड बुलाकीवाला विकास नगर कारगिल। बाकी टीमों के कप्तान हमारे जयवीर तोमर जी से संपर्क करें। देखना होगा इस समय बॉलर को खेला इस समय मिड विकेट की तरफ गेंद जब तक फील्ड की जाए एक रन के लिए, इस एक रन के सहारे चार रन स्कोर बोर्ड पे। माधवर राव आए हैं बॉलिंग पे इस समय, देखना होगा। बढ़िया क्रिकेट की झलक इस समय देखने को मिलती हुई उत्तराखंड की पावन धरातल इस समय खेल की आगोश में है। तो फिलहाल इस समय खेल देवभूमि के इस पावन विरासत ये धरातल इस समय ईश्वर का मानो एक अनूठा संयोग हो। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी, अभी जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हुआ था उसके मैनेजर जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड की वादियों में रोमांच देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नेतृत्व और हमारी पूरी टीम विपिन भाई जयवीर जी बात करें इस समय, साथ ही साथ अभिराज चौहान जी, ये वो नाम है जिन्होंने साकार किए हैं सपने को। जबरदस्त माहौल। फिलहाल इस बार जबरदस्त शॉट बैकफुट पर जाकर के पुल किया 6 रन के लिए, दर्शनीय छक्का। फिलहाल अब सिर्फ 2 रन की दरकार जीतने के लिए देवभूमि
आप जानते हैं हमारे बीच आशीष चौहान जी पधारे हैं, हार्दिक अभिवादन। आशीष चौहान जी का ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है, बहुत हार्दिक अभिवादन दिल की गहराइयों से। फिलहाल 14 रन बन चुके हैं, जीत के लिए सिर्फ 2 रन की दरकार। देव टीम मंजिल के नजदीक इस वक्त इस समय। सिर्फ 2 रन चाहिए जीत के लिए, मंजिल के बेहद नजदीक। अगले दोनों कैप्टन टॉस के लिए तैयार रहे। जबरदस्त मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए, और तारीफ करनी होगी आयोजन समिति की। इतना बड़ा इवेंट एक साथ ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं। जो टीम है आज के समय में लोगों के पास, टीम, और इसी के साथ जीत अर्जित कर ली। देव को बहुत सारी शुभकामनाएं।